और मैंने सच बताया था कि हाँ ये लवर्स पॉइंट है हरिद्वार का, तो यहाँ पे मुझे बहुत सारे कपल्स दिखे एंड आई डोंट वॉन्ट टू डिस्टर्ब देम, लेट देम हैव अ गुड टाइम। ये सारी वो कांवड़ जो बह के आई होंगी, लोगों ने गंगा जी में जो विसर्जित की होंगी, ये पूरा का पूरा तहस नहस हो चुका है यहाँ पे, इतने बड़े बड़े बोल्डर्स, क्योंकि नीचे की जमीन खिसक गई। यहाँ पर वो सारी की सारी गंदगी आके रुक गई है। बतख। मैंने यहाँ पे अपनी योगा मैट लगाई थी, कैमरा वहाँ पे लगाया था और ये मेरा बैग है। तो ऊपर ना वहाँ पे चंडी देवी जी का मंदिर है और मनसा देवी जी का मंदिर है वहाँ पे, वो आपको टॉप पे वहाँ पे मनसा देवी जी का मंदिर दिख जाएगा। सो अब मुझे अपना पैकअप करना है, तो मैं जल्दी जल्दी योगा मैट उठा लेती हूँ, क्योंकि यहाँ पे ना ये झोपड़ी देखी कैसे ढलान में बनी हुई है। इतना गुस्सा भाई, ये क्या हो रहा है? बजरंगी छोड़ दे भाई। एवरीवन गुड मॉर्निंग। तो आज मैं एक बहुत ही खूबसूरत सी लोकेशन पे आई हूँ शूट करने के लिए, और मैं चाहती हूँ कि आप सभी भी देखें ये लोकेशन। इस जगह के बारे में बहुत से लोगों को नहीं पता है हरिद्वार में, और ये मोस्टली सुबह और शाम की वॉक के लिए बनाया गया है, और साथ ही ये हरिद्वार का लवर्स पॉइंट भी कहा जाता है। अभी मैं तो अपने काम के लिए आई हूँ, और अभी यहाँ पे इतना ज़्यादा क्राउड नहीं है, क्योंकि अभी लाइक लगभग 10 बज चुके हैं, तो अच्छी बात है मेरे लिए कि आसपास ज़्यादा भीड़ नहीं होगी, तो मैं आराम से अपना शूट कर पाऊँगी। तो हम अभी जा रहे हैं अपनी लोकेशन की तरफ, और मेरे हाथ में क्या क्या चीज़ें हैं मैं आपको दिखला दूँ। ये मेरी योगा मैट है, और साथ ही मेरे पास ये ट्राईपॉड है, और बाकी का सामान मैंने अपने बैग में रख रखा है। पीछे देख रहे हैं आप कितना अच्छा वॉक करने के लिए ट्रैक बना हुआ है, और ये गंगा जी के किनारे किनारे पूरा का पूरा ट्रैक बना हुआ है। सुबह शाम तो बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि चिड़ियों की चहचहाहट सुन के बस दिल को बहुत सुकून मिलता है। आराम से बैठने के लिए इस तरीके से बेंच भी हैं, और जो कि पूरे के पूरे जगह पे आपको बेंच मिल जाएंगी आराम से बैठने के लिए। और ये देखिए इतना खूबसूरत नज़ारा है यहाँ पे, देखिए ये हैं गंगा जी जो कि आपके ऋषिकेश की तरफ से आ रही हैं, और इनका किनारा जो है कितना ज़्यादा कटा हुआ है। आपने किनारे किनारे इन झोपड़ियों को नोटिस किया या नहीं? ये बहुत ही ज़्यादा रिस्क वाली जगह पे बनी हुई है, और वहाँ भी किनारे जो झोपड़ियाँ बनी हैं वो भी बड़ी ही रिस्क वाली जगह पे बनी हुई हैं। कभी भी कुछ भी हो सकता है, बिकॉज आग पानी हवा, इनका कोई भी भरोसा नहीं है कि कब ये अपना रुख बदल लें। कैक्टस कितने प्यारे लग रहे हैं ना, छोटे छोटे, इधर तो और भी ज़्यादा कैक्टस हैं। और ये मुरुम में चल के ना आवाज़ जो आ रही है बड़ी अच्छी लग रही है, पैरों पर भी बड़ा एक्यूप्रेशर होगा अच्छा अगर मैं चप्पल उतार दूं। आ हा हा हा, बहुत मज़ा आ रहा है। आजकल ना हरिद्वार में कंस्ट्रक्शन ज़ोरों शोरों से चल रहा है, तो जितने भी अभी हाईवेज अभी डेवलप हुए हैं, तो उनका उनके लिए जो पिलर वगैरह है वो बनाने का काम वहाँ पर हो रहा है। और ये खूबसूरत नज़ारा देखिए, कितनी प्यारी प्यारी झोपड़ियाँ बनी हुई है, और वो भाई साहब को देखा आपने कैसे घोड़े टांगे वाले जो है अपना अभी वहाँ से वो बालू कलेक्ट करेंगे और फिर लेके जाएंगे। लेकिन मैं चाहती हूँ आप ये नज़ारा देखें जो गंगा जी के किनारे बसे हुए हैं ये लोग, है ना, बहुत खूबसूरत। और ये है वो लोकेशन जहाँ पर मैं शूट करने वाली हूँ। धूप कितनी भी हो लेकिन यहाँ पर आराम से आप शूट कर सकते हैं, तो मैं अपना कैमरा वगैरह सेटअप करूँगी और इस लोकेशन पे होगी हमारी शूट, है ना, अमेजिंग जगह। बिछा दी मैंने यहाँ पर अपनी योगा मैट, और पीछे का आप व्यू देखिए कितना ज़्यादा खूबसूरत है ना, अभी बाकी का सेटअप करूँगी। ये वीडियो जो आप तक आती है ना, इनको शूट करना इतना आसान नहीं होता है, कैमरे का सेटअप सही है या नहीं है, बाहर टेम्परेचर, आसपास शोर, लोग, बहुत सी चीज़ें देखनी पड़ती है, तब जाके एक 60 सेकेंड की रील आपके पास आ जाती है। तो आपको आज बिहाइंड द सीन भी दिख गया कि हाउ आई शूट। सुबह
हमें लगभग एक घंटे का वक्त लगाने के बाद हमारी शूटिंग तो हो गई है। एंड पहले मैं वहाँ शूट कर रही थी पीछे, और अभी मैंने शूट किया है यहाँ पे। मैंने यहाँ पे अपनी योगा मैट लगाई थी एंड द सेटअप ऑफ माय कैमरा वाज देयर। कैमरा वहाँ पे लगाया था और ये मेरा बैग है। तो आपको इस वीडियो से आपको बिहाइंड द सीन भी पता चल गया, एंड दिस इज़ द ब्यूटीफुल लोकेशन वेयर आई वाज शूटिंग। और वो आपको ऊपर ना वहाँ पे चंडी देवी जी का मंदिर है, और ये जो है गंगा जी हैं और जा रही हैं उधर यूपी की तरफ, और इधर मनसा देवी जी का मंदिर है वहाँ पे, वो आपको टॉप पे वहाँ पे मनसा देवी जी का मंदिर दिख जाएगा। सो अब मुझे अपना पैकअप करना है, तो मैं जल्दी जल्दी योगा मैट उठा लेती हूँ, क्योंकि यहाँ पे ना बहुत ज़्यादा हवा भी आती है और मैट भी काफ़ी ज़्यादा गंदी हो गई है। घाट पे आने के बाद थोड़ा सा तो धूल वगैरह लग ही जाता है, बट दैट्स ओके। तो मेरी जो मोस्ट ऑफ आउटडोर शूट हुआ करती हैं वो छोटी छोटी रील्स बनाने के लिए होती, क्योंकि बड़ी वीडियोस इतना ज़्यादा धूप में तो बन नहीं सकती है। तो मैं जब भी नॉर्मली छोटी छोटी वीडियोस बनानी होती है ना, तो मैं यहाँ पे घाट के किनारे आ जाती हूँ, और एक्चुअली में आउटिंग भी हो जाती है, शूटिंग भी हो जाती है, और बहुत अच्छा लगता है। पानी का लेवल यहाँ तक आ गया था, तो अभी मैं नीचे आ गई थी, अभी वहाँ पे ऊपर चल रही थी, फिर उसके बाद अभी नीचे आ गई हूँ यहाँ पे। ये देखिए किनारे पर किस तरीके से पानी के बहाव के कारण ये पूरा का पूरा तहस नहस हो चुका है यहाँ पे, इतने बड़े बड़े बोल्डर्स, क्योंकि नीचे की ज़मीन खिसक गई। और एग्जैक्टली यही वो जगह है जहाँ से किनारा हिट कर रहा है, और यहाँ पे मुझे बहुत गहराई भी लग रही है। जहाँ पर पानी बड़ा शांत होता है ना, वहाँ गहराई होती है। ये पूरा का पूरा नीचे धस सा गया है, एंड आई एम श्योर कि कुछ दिनों बाद जहाँ मैं अभी चल रही हूँ ये भी जगह धस जाएगी, क्योंकि अंदर अंदर पानी काटता है ज़मीन को। यहाँ पर वो सारी की सारी गंदगी आके रुक गई है। बतख मुझे देखते ही शोर करने लगे कि कहीं मुझे उससे उनको मुझसे खतरा ना हो। और ये माँ बेटे यहाँ पे आराम कर रहे हैं। नहीं बेबी, मैं जा रहा हूँ, मैं कुछ नहीं करूँगा, मैं जा रहा हूँ, सो जा। ये सारी वो कांवड़ जो बह के आई होंगी, लोगों ने गंगा जी में जो विसर्जित की होंगी, तो यहाँ पर इकट्ठा करके रख ली गई हैं। कितनी सारी हैं, ये तो कुछ हैं, उधर तो और भी ज़्यादा हैं। ये झोपड़ी देखी कैसे ढलान में बनी हुई है, बिल्कुल फिसलती हुई है। ये कुछ नारियल इकट्ठा करके रखे हुए हैं जो गंगा जी में बह के आए होंगे। एंड यस, दिस वाज ऑल अबाउट माय शूटिंग, हाउ आई शूट, वेयर आई शूट। थकान हो गई यार, धूप बहुत ज़्यादा है ना, थकान हो गई, क्योंकि पोस्चर्स वगैरह भी करने थे, काफ़ी लंबी वॉक भी हो गई, सुबह भी एक्सरसाइजेस की है। अब घर जाऊंगी, आराम करूंगी, बहुत अच्छा खाना बनाना है मुझे आज अपने लिए, और फिर उसके बाद खा के थोड़ा आराम करूंगी। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग द व्लॉग टिल एंड, और मुझे कहने की वैसे तो ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए, लेकिन अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बाय बाय, सी यू ऑल इन नेक्स्ट व्लॉग। मैंने बताया था ना यहाँ पे ये लवर्स पॉइंट है, तो पहले तो मुझे यकीन नहीं हो रहा था, लेकिन एक्चुअली में बहुत सारे कपल्स दिखे मुझे। एक्चुअली जगह मिलती नहीं है ना, तो बहुत सारे कपल्स दिखे मुझे यहाँ पर। ये सारी की सारी झोपड़ी, मतलब पानी जो है तो आएगा ना, तो बहुत ही ज़्यादा रिस्की हो जाता है एंड ऑल। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग द व्लॉग टिल एंड, और मैंने सच बताया था
कि हाँ ये लवर्स पॉइंट है हरिद्वार का, तो यहाँ पे मुझे बहुत सारे कपल्स दिखे एंड आई डोंट वॉन्ट टू डिस्टर्ब देम, लेट देम हैव अ गुड टाइम. अपना तो कोई सिस्टम है नहीं. तो दूसरों को ही एटलीस्ट सुख चैन से रहने देते हैं. गधे तू तो बड़ा हो गया भाई, तू तो बड़ा हो गया भाई, तू तो बड़ा हो गया. इतना गुस्सा, तू तो बजरंगी से भी बड़ा हो गया. बजरंगी, ए बजरंगी, इधर आ. हाँ मेरे बच्चा, अरे बाप रे, इतना खुशी होगा तू, तू इतना खुशी होगा बच्चा मेरा, तू कितना खुशी होगा. कुछ 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 कुछ. मम्मी कहाँ गई? कहाँ? अच्छा काम से गई है. बाश 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 बाश. बजरंगी, ओ बजरंगी, आ, ओ बजरंगी. देखो देखो कैसे लड़ रहे हैं दोनों. काटेगा तो नहीं? काटेगा, लड़ रहा है, ऐसे ही लड़ रहा है ना. ओ माँ, ओ इतना गुस्सा. मैं उसको खिला रही हूँ इसीलिए ना. हाँ वो चिढ़ता है ना. चिढ़ रहा है ना. हाँ. काट तो नहीं खाएगा उसको, देख लो. गंदा कर दिया इस सारा. यार उसको ये खेल रहा है ना, काट नहीं रहा है ना. तू उस दिन मुझे कैसे काट दिया था इसने. बस करो, पीटेंगे दोनों को. रुक जा, रुक 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 रुक. ओ मां, रुक जा. तू तो वैसे ही बजरंगी गंदा है. आ बेटा, आ बेटा. भोंदू. क्या नाम? भोंदू. ए भोंदू, आ. ओ माँ, कैसे लड़ रहे हैं दोनों. वीडियो बना रहे थे क्या? हाँ. पर उधर बनाने गई थी हेल पॉइंट पे. हाँ तो उससे जीदी गई. हाँ बस कर, अकेले ही गए थे. हाँ. इतना गुस्सा भाई, ये क्या हो रहा है. बजरंगी छोड़ दे, भैया है ना, छोड़ दे. बजरंगी भैया है ना, छोड़ दे बेटा. अल्लाह, गोंदू आ जाओ इधर, आ जाओ. ओ नहीं नहीं नहीं, 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 नहीं आ जा, आ हमारे पास, आ जा, आ मेरे पास बेटा. मत जाना, गंदा है वो, मत जाना, गंदा है वो, गंदा है वो, गंदा है. ये मेरा प्यारा बच्चा है, मेरा प्यारा बच्चा है, ये मेरा प्यारा बच्चा है, मेरा भोंदू बच्चा है, भोंदू बच्चा है. ओ भाई, काट के आ गया. बाय बाय भोंदू, बाय. आ आना.